रबरे खेल जिरा जंगलात के साथ जो नाइंसाफी की बात हो रही है उसको लेकर रविंद्र रैना का एक बड़ा बयान सामने आया है। जब उनसे पूछा गया उनका कहना था, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है, उनका कहना है अखबारों में जो खबर छपी है वो झूठी है। तो चलिए सबसे पहले रविंद्र रैना की स्टेटमेंट आपको बता देते हैं, फिर इस हवाले से जानता और एनवाईसी वालों की मैंने बात गवर्नर साहब से की है। गवर्नर साहब ने हमको बोला है ये जो खबर आज के अखबार में लिखी है ये सरासर झूठी खबर है। ऐसा कोई है थोड़ा साइड करो, बाकी सारे नजर आने चाहिए। जना बोलो यार, वेट किया जाना चाहिए। अगर आप लोगों की सरकार में अगर पॉलिसी आई थी, अगर कहीं कमी है तो आपकी सरकार में कमी है, क्योंकि जब ये कैबिनेट डिसीजन आया था तब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कोलैबोरेशन कर रही थी। आप नहीं उठो, आप बैठो सामने जाओ, अभी हमें क्यों बोला जाता कि आप लोग पेट्रोलिंग अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या 4 साल लगते हैं मेरे को बताइए, कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में? 1 महीने का प्रोसेस में आप लोगों के 4 साल लगते हैं। बच्चों को आप लोग 3,000 रुपया पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, क्यों? आज आप लोग ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन कर रहे हो। मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे को बताइए? जम्मू कश्मीर की बेटी रो रही है, देखो अब क्या हो रहा है। सर एक चीज आप हमारी अकेडमी में भी गए, 250 बच्चे को ड्रग से निकाल के, गलत एक्टिविटी से निकाल के हमने बच्चों को लाया, और आज हमें ये 4 4 बच्चों के हम माँ बाप है। हाँ मैं उसका कोच हूँ सर, एक अफ्रीकी है साथ में, 3 और है, समझे बात? बॉर्डर के रहने वाले हैं, रात दिन को वहाँ से फायरिंग होती है, हम बच्चों को गलत कामों से निकाल के लाते हैं, और गवर्नमेंट ने ये उठ के इतना गलत ऑर्डर निकाल के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। बस ये ऑर्डर आज शाम तक होना चाहिए। जितने भी हमारे साथी यहाँ रहे हैं, जो मेरे मीडिया के भाई बहन हैं, भाई बंधु, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार मैं इन सबसे एक बार सुन लूं। जी जी सर। तो आपने देखा रोते बिलखते हुए किस तरह से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। डॉक्टर आफ्ताब मेरे साथ चुके हैं। जी बिल्कुल, रविंदर रैना का जो स्टेटमेंट आया है इनको लेकर क्या कहेंगे? ये ऑर्डर गलत है, ऐसा जो भी तमाम लोग ताल्लुक रखते हैं इससे उनका कहना है। और रविंदर रैना ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जब उनकी बात हुई है, उनका कहना है जो खबरें आई हैं वो झूठी हैं। कौन सी खबरें झूठी हैं? जो ऑर्डर ऑफिशियली सामने आया है, किस झूठ की वो बात कर रहे हैं? पहले मैं तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु हूँ, सबको मेरा सलाम है। आप मैडम जिस ऑर्डर के बारे में बात कर रही हो, हमने उसके बारे में जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की है उस ऑर्डर के मुतलिक, तो उन्होंने बोला है कि ये ऑर्डर सही है। जब हमें पता चला ये ऑर्डर सही है तभी तो हम प्रोटेस्ट पे आए हैं, तभी तो हम बाहर आए हैं। जहाँ तक रविंदर रैना जी की बात है, ये तो पहले भी बोलते थे कि हम लोगों ने आपके लिए 2 साल किए हैं, हम लोगों ने आपको प्रमोशन कम किया है, और कल से आप देखिए इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, सभी जो पार्टियां हैं उनका हमारे जो कल का ऑर्डर है उन पे कमेंट आया है, लेकिन एक बीजेपी है जिनका कोई कमेंट नहीं आया है। इससे साफ मालूम चलता है कि ये तो मिली भगत है। आप छोड़िए, वो तो हमने उसमें कोर्ट कोर्ट केस लगा दिया है, आप पता चलेगा।
मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जब पॉलिसी बनी थी तब बीजेपी और पीडीपी नहीं बनाई थी। आज ये बोल रहे हैं कि बैकडोर एंट्रीज है इसमें, चार साल ये लोग कहाँ थे, वेरिफिकेशन किसने की, ये पॉलिसी मेकर्स कौन है, ये पॉलिसी हमने तो नहीं बनाई मैडम, हमें तो ये बोला गया कि आप इस पॉलिसी को इख्तियार कर लो, आप इस पॉलिसी पे ज्वाइन करो, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हमने तो वही उसी के तरीकेकार पे हम चले। इन्होंने बोला आप लोगों का वाइवा होगा, हमने वाइवा दिया, बाजार हमारी स्क्रीनिंग हो गई, आईएएस अफसर था इंटरव्यू के लिए और दो केएएस अफसर थे, वो सब जुटे थे या वो सब हरे भी है। ये मुझे एक अवामी मंडेट है जो यहाँ के लोगों ने एक गवर्नमेंट को मंडेट दिया था, जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स का ये कारोबार चल रहा था, तब भी एक मंडेट गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक स्कीम निकाली थी रेबरी खेल, जो रेबरी तालीम की तर्ज पे, रेबरी जंगलात की तर्ज पर निकाली गई थी। तो हमने जब वो स्कीम में हम वो ये उनका एक ये भी मोटिव था कि एक तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो लड़के सपोर्ट्स की तरफ आए, सपोर्ट्स कल्चर यहाँ पे बढ़े, एक तो वो मकसद था उसका। दूसरा मकसद उसका यह था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यहाँ पे जो लोग बेरोजगार बैठे हैं जिन्होंने डिग्रियां की है इस डिपार्टमेंट में, वो इसमें ज्वाइन करके एक यहाँ की स्टेट को सपोर्ट्स की तरफ ले जाए। लेकिन आप देख सकते हैं जब हमने ज्वाइन किया सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फिर हमारी कुछ डिमांड थी कि हमारी मीगर सैलरीज थी, हमने बस अपने जॉब को सपोर्ट्स पे महदूद नहीं रखा, इन्होंने हमें इलेक्शन की ड्यूटी करवाई, इतने सारे नौजवानों ने सिर्फ इतनी कम सैलरी में काम किया सिर्फ इस उम्मीद से एक वक्त आएगा कि उनका फ्यूचर बन जाएगा, और अचानक से ये बहुत बड़ा झटका जो लगा है तमाम यंगस्टर्स को, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को बहुत डिसअपॉइंटिंग है। एक और हमारे साथ शख्स ज्वाइन कर चुके हैं जी, अपना नाम बताइएगा। मैडम एक मिनट, मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, इस टाइम में खुद 11th 12th को पढ़ाता हूँ, लेक्चरर की जगह हायर सेकेंडरी एनएम बांडीपोरा में 5 क्लास में दे रहा हूँ 4 क्लास में दे रहा हूँ, 12th की 2 क्लास है 11th की 2 क्लास है, लेक्चरर की जगह मैं काम कर रहा हूँ, और वो भी 100 रुपए पे, इनको शर्म नहीं आती है और बोल रहे हैं कि ये लोग बैकडोर एंट्रीज हैं। अरे वेरिफिकेशन वाले तो वेरिफिकेशन भी आप लोगों ने किया, सब कुछ आप लोगों ने किया, हमने तो बस एक्सेप्ट किया इस चीज को, आज आप बोल रहे हो 4 साल के बाद। आज ये देखो एग्जाम की बात नहीं है, हम एग्जाम तो दे सकते हैं और एग्जाम की बात नहीं है, लेकिन आप मुझे मैडम बताइए अगर हम इन लोगों को बोलेंगे। बिल्कुल, एक और शख्स मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जी, बताइएगा कहाँ से ज्वाइन किया है, क्या नाम है? बरकातु, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम नजम हमीद लोना, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। इस इनजस्टिस को लेकर क्या कहेंगे, और रविंद्र रैना का जो बयान आया है उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जो कल वायरल हुआ है ऑर्डर, पिछले 2 दिन से ऑर्डर वायरल हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है ये कि इनकी सैलरी को 50% हाइक किया जाएगा और जो इनके फ्रीज्ड पोस्ट है उनको डिफ्रीज किया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है रविंद्र रैना जी का, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर निकला है वो एक एथेंटिक ऑर्डर है, वो रविंद्र रैना जी बोल रहे हैं। आज मैंने गवर्नर साहब से बात की, वो बोला है ये फेक है, अगर फेक है तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से कहां से ये ऑर्डर निकल आ रहे हैं, और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और इसी बीच जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन में डाला है, पहले तो पॉलिसी में लिखा गया है आपको 7 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा जो वैकेंट पोस्ट है, और जो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे इनके पोस्ट। अगर ये आज ये पोस्ट डिफ्रीज कर रहे हैं, ये SSRB को दे रहे हैं, हमें किन पोस्टों पे ये भर्ती करेंगे आफ्टर 7 इयर्स? बिल्कुल, 7 साल के बाद जो उम्मीद लेकर ये लोग काम कर रहे थे उसे लेकर आपने देखा कि क्या कुछ रविंद्र रैना का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि खबरें झूठी हैं। कौन सी खबरें झूठी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर आया है वो किस तरह से झूठा है, यही सवाल का जवाब मांग रहे हैं, अपने इंसाफ का जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ इन सभी पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इंसाफ हो लूंगी, इजाजत देखते रहे जी।